बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आप सब खैरियत से हैं? और यहाँ मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बना रहे हैं अफ्तार के लिए ढोकले। यहाँ हमने एक बाउल में बेसन लिया है, बेसन हमने 4 बड़े चम्मच इसमें हमने बेसन लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, इसमें हम नमक डालेंगे और 1/4 चौथाई हिस्सा इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम मिर्ची पाउडर। और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अफ्तार के लिए हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है रोज़, और इसीलिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं रोज़ रोज़। नहीं भी कुछ ना कुछ बनाने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए पड़ता है खाने के लिए। अफ्तार के लिए हम ये बना रहे हैं, इसमें हम दही भी ऐड करेंगे 1/2 कप। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, एक बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेंगे ढोकलों के लिए। हमें बैटर बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, हमें इसमें थोड़ा पतला ही बैटर डालेंगे। हमारे ढोकले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, इससे ढोकले बहुत अच्छे लगते हैं खाने में सभी को। आप इसे घर में जरूर ट्राई करें और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हमें इसको धीरे धीरे, इसमें कोई भी बॉल्स नहीं रह जाए बेसन की, बेसन थोड़ा सा जब हम फेंटते हैं बेसन तो इसमें बॉल्स रह जाती हैं, और हमें इसको बहुत अच्छे से फेंटना है धीरे धीरे। और आप देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। हमारा बैटर तैयार हो चुका है और इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। हमें इसको 2-4 मिनट अच्छे से फेंटना है और उसके बाद हमें इसमें 2 चम्मच शक्कर डालना है और फिर से हमें इसको अच्छे से फेंटना है। हमारे ढोकले का बैटर जितना फिटेगा उतना ही ढोकला बहुत सॉफ्ट बनेगा। ये सारा सामान हमारे घर में ही मिल जाता है। और ये हमारा बैटर पूरा तैयार हो चुका है और अब हम हमारे बैटर को 20 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए, ये ना तो ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है, इसको मीडियम रखना है हमें। इसमें हम 1/2 चम्मच सोडा ऐड करेंगे। इसमें हम 1 इमो डालेंगे। इसमें हमने 1 पूरा इनो डाल दिया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इनो हमने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि इनो बहुत जल्दी चीज को फुलाता है। और आप देखिए ये हमारा बैटर अच्छे से पूरा फूलने लगा है, हमें इसे बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी चलाना है। हमारा बैटर पूरा तैयार हो चुका है। अब हम ढोकले बनाने के लिए ये कुकर के ढक्कन पे ये ढोकले बनाने के बॉल में हम इसको, इसमें हमने पूरे में तेल ऐड कर दिया है। ये तेल इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम ढोकला निकालेंगे तो ढोकला इसमें बिल्कुल चिपके ना और ढोकला बहुत आसानी से इससे बाहर आ जाए। अब हम इस बैटर को इसमें डालेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे। हमें इसको जब तक पकाना है जब तक पानी थोड़ा गर्म हो जाए।
पानी ये हमारा गर्म हो चुका है और हम गैस की फ्लेम लो करेंगे। ये हमारे ढोकले का बैटर हमने इसमें रख दिया है और इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तब हम बघार की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम मिर्ची के 4 हिस्से करेंगे, पतली पतली मिर्ची काटेंगे इसको। हमें इसमें मिर्चियां बहुत पतली पतली रखना है। अगर कि हमारी सारी मिर्चियां कट चुकी हैं, हमने कितनी पतली पतली मिर्चियां काटी हैं। अगर आपके पास ढोकले का कुकर नहीं है तो आप इसे साधारण कुकर में भी बना सकते हैं और उसकी सीटी निकाल दें और वो कुकर में भी बन जाता है। ढोकला हमारा बन रहा है। जब तक हम बघार की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में हमने तेल गरम कर दिया है। तेल हमारा गरम हो गया है, फिर हम इसमें राई डालेंगे। कटी हुई हमने हरी मिर्ची जो काटी थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो जाए। मिर्ची हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करना है और मुरझाने तक इसको हल्का सा पकाना है। इसमें हमने कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता अगर आपके पास ताज़ा हो तो अच्छा है, मेरे पास ड्राई रखा था तो मैंने वही डाला है। इसमें 2 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। और 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू और चीनी से मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। एक कटोरी इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इसे 2 मिनट के लिए भी पका सकते हैं, बस हमारा पानी अच्छे से इसमें मिर्चियों में पहुंच जाए, जिससे कि मिर्ची खट्टी मीठी हो तैयार होंगी। और ढोकला हमारा तैयार हो चुका है और इसमें हम नाइफ डालकर देखेंगे, जिससे कि ढोकला हमारा चुपके नहीं। इसको हम चारों तरफ से निकालेंगे। एक बड़ी सी प्लेट में इसको उल्टा कर पीछे से प्रेशर करके इसको निकालेंगे। ढोकले की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी चौकोर में कटिंग करी है। आप देख सकते हैं ढोकला कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है और ये बघार भी रेडी हो चुका है। हम ढोकले के ऊपर इस बघार को डालेंगे। मिर्ची बहुत ही खट्टी मीठी तैयार होती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं मिर्ची। बघार को हम चारों तरफ फैला देंगे इसके। ढोकला हमारा तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।